हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू डेट यू, कौन है जो आपको डेट करना चाहता है और क्यों डेट करना चाहता है। लाइक वो सीरियस हैं आप लोगों को लेकर या जस्ट उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है जो आपको डेट करना चाहते हैं या टाइम पास के लिए करना चाहते हैं, ये भी देखेंगे। सो रीडिंग गाइज कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, स्टे पॉजिटिव, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। जितना इजीली रिलेट करता है, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने फिक्स नहीं करना। सो लेट्स ही देखते हैं कौन है जो आपको डेट करना चाहता है, हु वांट्स टू डेट यू। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी, इट्स अ यिन एंड यैन ओरेकल, हु वांट्स टू डेट यू। वी हैव गार्डेड, इट्स अ वल्नरेबिलिटी। डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है अभी तक कि ये वो पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया है या फिर आपकी फीलिंग्स को जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। वी हैव एपिफनी, इट्स अ ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट जो आपको डेट करना चाहते हैं। पहले इन्होंने आपके इमोशंस को समझा नहीं है, पहले इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा लाइट लिया है, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, और जिसकी वजह से आप अपने आप को गार्डेड अप कर चुके हो। और ये इंसान वापस अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं आप लोगों को डेट करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो, क्योंकि आप लोगों ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना छोड़ दिए हैं। इट्स अ एस ऑफ वाटर, गैस के इंसान आपके साथ दोबारा से एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, दैट्स वाई वो आपको डेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वाटर की एनर्जी है। लाइक कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है, लिब्रा की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। यस, वी हैव फैमिली होम कमिटमेंट। ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान सीरियस है गाइस। डेट करना क्यों चाहते हैं? डेट तो करना चाहता है, पास का पर्सन है, लेकिन ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये इंसान इस टाइम सीरियस हैं आप लोगों के साथ एक फैमिली बनाने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए ये इंसान सीरियस है। यस, ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली बने, दैट्स वाई आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी आपके साथ इंट्यूटिवली जो है कनेक्टेड है, दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं, दैट्स वाई दे रियली वांट टू डेट यू। वी हैव स्टेबिलिटी, हार्मनी एंड फ्लो। या ये इंसान अब आपके साथ स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप चीज़ें जो हैं वो फ्लो में हैं। पास में हो सकता है फ्लो में चीज़ें नहीं थी ये इंसान, या फिर खुद सीरियस नहीं थे, या फिर स्टेबल कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट राइट नाउ इनको लग रहा है कि अभी आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और इनको आपके साथ डेट करना चाहिए, क्योंकि अभी मे बी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हार्मनी बनाना चाहते हैं आपके साथ। कंट्रोल टैक्टिस, या ये पर्सन वो है जिसने आपको पास में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। हो सकता है इन्होंने बहुत सारे आप लोगों के साथ गेम्स खेली हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने टैक्टिस की हैं आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये आपको आप कंट्रोल में इनके नहीं आए हो। काफ़ी हद तक आप लोगों ने ऑब्वियसली इनकी बातें मानी ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी आगे से आगे होता है ना एक कंट्रोल करने वाली एनर्जी। इंसान आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते रहे हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपके साथ सीरियस कनेक्शन नहीं बनाया। विद अ रिलीज, सरेंडर एंड पर्स, ऑब्वियसली दिस इज़ द पर्सन, ये आपको डेट करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है शायद इनके टैक्टिक्स की वजह से, इनके आपको कंट्रोल करने की वजह से मे बी आप इनको रिलीज़ कर चुके हो, आपने इनको सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया इनको, लेकिन ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं और इनको लग रहा है कि इनकी इस बिहेवियर की वजह से आपने अपने आप को गार्डेड अप कर लिया, लाइक आपने अपने आप को टोटली क्लोज्ड ऑफ कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि इंसान आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आपकी फीलिंग्स को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो अब आपने आपको टोटली साइलेंट कर चुके हो। तो इसको लग रहा है जैसे आप छोड़ चुके हो, सरेंडर कर चुके हो, आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन दिस पर्सन इज रियली वाना डेट यू, ये आपकी तरफ एफर्ट करना चाहते हैं और आपको डेट करना चाहते हैं। एंड वी हैव हीलिंग इनर चाइल्ड। यस, ये इंसान का कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड है जिसको ये ऐसा लग रहा है इंसान हील कर चुका है। पहले ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा इनके कोई ना कोई ऐसा इनर चाइल्ड था जो कि अनहील्ड था, बट आफ्टर सेपरेशन ये इंसान लग रहा है जैसे हील कर चुका है। अपने अंदर का जो बच्चा था ना पहले काफ़ी मेच्योर, अब ऐसे लग रहा है मेच्योर हो चुका है, दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाने में इंटरेस्टेड है, आपको कमिटमेंट देने में इंटरेस्टेड है और इसीलिए आपको डेट करना चाहते हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास प्लूटो की एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान ऐसे लग रहा है काफ़ी चेंज हो चुका है, इन्होंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया और आप में भी ये इंसान चेंज देख रहा है। इट्स अ स्कॉर्पियो एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गाइस, लिब्रा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सेगिटेरियस एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। तो ये आपको डेट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में खुद भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, इन्होंने अपने आप को हील किया है, जो अंदर का बच्चा था उसको ये पर्सन मैच्योर कर चुका है। दैट्स वाई आपको डेट करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ इनकी लाइफ चेंज हो सके और सीरियस फैमिली कमिटमेंट आपको दे सकें, क्योंकि यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इन्होंने अपना कर्मा डील कर लिया है। या और यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी तरफ वापस भेज रही है, डिवाइन आपकी तरफ वापस भेज रही है इस पर्सन को। लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे स्केल की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो भी हो सकता है जिसके साथ ऑलरेडी आपका कोई ना कोई लाइक सेपरेशन चल रहा है। आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जो दोबारा से आपकी लाइफ में री एंटर होना चाहते हैं। मे बी उनके साथ आपका कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा था या कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो आप रिजोल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सेपरेशन के बाद उनको चीज़ें समझ आ रही हैं और दोबारा से अपनी फैमिली जो है आपके साथ सेटल करना चाहते हैं। या नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू डेट यू एंड व्हाई, कौन डेट करना चाहता है व्यूअर्स को। वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ऑब्वियसली, वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, क्योंकि गाइस ये चाहता है कि सिंगल से मिंगल हो जाए आपके साथ, फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशली स्टेबल एनर्जी भी काफ़ी इस इंसान की दिख रही है, और वैसे भी ये इंसान ऐसे लग रहा है ये आपको भी फाइनेंशली सिक्योरिटी देना चाहते हैं, अपने साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, सिंगल से मिंगल होना चाहता है आपके साथ। या नंबर 9, 10, 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका या इनका स्टार साइन हो सकता है। एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको लग रहा है किस्मत दोबारा मौका दे रही है इस पर्सन को, और किस्मत ही मौका दे रही है, आपकी डेस्टिनी आपको दोबारा मिलवा रही है, डिवाइन आपको दोबारा मिलवा रही है इस पर्सन से, क्योंकि ये चाहता है कि किस्मत इसको मौका दे, और किस्मत इस पर्सन को लग रहा है जैसे मौका दे रही है कि आप चांस है फ़ायदा उठा लो, मिस ना करो इस चांस को, ऐसे लग रहा है। नंबर 10, 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 11 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। सेगिटेरियस एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ये पर्सन, जैसे इनको लग रहा है काफ़ी डिले हो चुका है, और काफ़ी टाइम के बाद आपका ना आपस में मिलना हो रहा है, और ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई ना वो था कर्मा, जो क्लिंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपके सेपरेशन से होना ज़रूरी था, तो वो कहीं ना कहीं हो चुका है क्लिंस, और अब दोबारा आपकी मीटिंग है। डिफ़िकल्ट जो आपका एक पीरियड था ना इस पर्सन को लेकर, वो अब ऐसे लग रहा है जैसे कंप्लीट हो चुका है। दैट्स व्हाई डेस्टिनी दोबारा मौका दे रही है। वी हैव 10 ऑफ वांड्स, इंसान अपने प्रेशर को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने टेंशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ताकि आपसे मिल के, आपसे यूनियन में आके ये इंसान आगे फर्दर अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हों। वी हैव किंग ऑफ वांड्स, इस इंसान ने डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस अपना शो करवाया है, काफ़ी ज़्यादा ईगो एटीट्यूड। अब इस इंसान का विजन क्लियर है कि अपनी ईगो को साइड पर रखना है, और आपको डेट करना है, आपके साथ फैमिली बनानी है, और एक सीरियस कनेक्शन में जाना है, क्योंकि लग रहा है ये पर्सन अपना माइंड बना चुका है, क्योंकि इनको स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस हो रहा है इस पर्सन को आपसे दूर रह के, तो स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स, आपको छोड़ जाने का जो स्ट्रेस है, ऑब्वियसली ये उधर से बाहर आना चाहते हैं और आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे आपके दरमियान ना फिज़िकली इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, उस डिस्टेंस को ये इंसान हैंडल नहीं कर पा रहे। ऑलरेडी आपका ब्रेकअप चल रहा है इस पर्सन से, ये आपको रिजेक्ट करने के बाद काफ़ी पछतावे में है, आपसे मूव ऑन करने के बाद, आपको छोड़ जाने के बाद काफ़ी स्ट्रेस में है, उस चीज़ का गिल्ट है, उस गिल्ट को दूर करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली बनाना चाहते हैं, सीरियस हैं आप लोगों को लेकर, डेट भी सीरियस ही करना चाहते हैं, लाइक डेट यही करेंगे आपके साथ आगे फैमिली बनानी है, कमिटमेंट देंगे कि आपको। आपके दरमियान ब्लॉक सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, और जो भी जिस तरह के भी आपके दरमियान डिफरेंसेस हैं, जिस तरह के भी कोई लड़ाई झगड़े हैं, जिस तरह के भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उन सब चीज़ों को ये इंसान रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पछतावा दिख रहा है मुझे इस पर्सन को, बहुत रिग्रेट है, बहुत गिल्ट है, बहुत ही ज़्यादा दुख ही ये पर्सन की सिचुएशन दिख रही है आपको छोड़ने के बाद। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेशन,
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है जिसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि आपको डेट करेंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं इस इंसान की क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इसलिए ऐसा लग रहा है किस्मत इस पर्सन को मौका दे रही है, आपका कर्मा था कहीं ना कहीं जो क्लींस करना ज़रूरी था वो हो चुका है, दैट्स वाई वो चक्कर घूम चुका है और वो दोबारा मिलना है आप लोगों ने, क्योंकि ये साइकिल था गाइज आप लोगों के दरमियान वो कम्प्लीट हुआ है। नंबर 3, 5, 8 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, इस पर्सन की एज 35, 38, 31, 39, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 10-10 इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरिस लियो सैगिटेरियस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, टोरस वर्गो कैप्रिकॉन है, सैगिटेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस सो कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है किसी ने आपके दरमियान जो है वो हो सकता है इश्यूज़ भी क्रिएट करवाए हों, या फिर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा भी बन गया था जिसकी वजह से ये इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन राइट नाउ इस इंसान को गिल्टीनेस जो हो रही है ना ये उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं और आपके दरमियान सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।